इन दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वो टॉपिक क्या है दोस्तों? वो टॉपिक ये है कि हम मेथड ऑफ टीचिंग देखेंगे, शिक्षण विधियाँ और उनके प्रकार देखेंगे। याद रखिए कि भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान, मतलब फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस हो, इसमें से एक सवाल आपसे जरूर पूछेगा। सवाल पूछने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन एक सवाल जरूर इसी वीडियो में से आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है 101%। सवाल कैसे पूछ सकता है? आपसे सवाल पूछ सकता है कि जीव विज्ञान शिक्षण की कौन कौन सी प्रमुख विधियाँ हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण की कौन कौन सी प्रमुख विधियां। दोनों में पूछेगा, बायो में भी और फिजिकल में भी। या फिर केवल ऐसे भी पूछ सकता है कि विज्ञान शिक्षण की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं, किसी एक विधि की संक्षिप्त व्याख्या करिए, या ये भी पूछ सकता है किसी एक विधि पर प्रकाश डालिए। और या फिर सवाल को बदल सकता है, क्योंकि ये शिक्षण विधियाँ दो प्रकार की होती हैं, शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित, तो आपसे ये पूछ सकता है कि शिक्षण विधियों से क्या अभिप्राय है, शिक्षक केंद्रित विधियों पर प्रकाश डालिए। तो मतलब एक सवाल आना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से बिल्कुल कि शिक्षण विधि होता क्या है। देखिए पहले शिक्षण को जानिए। शिक्षण क्या होता है भाई? शिक्षण वास्तव में वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र एवं विषय वस्तु के मध्य परस्पर अंतर क्रिया होती है। ये तो बात होगी शिक्षण की। अब शिक्षण विधि क्या होती है? तो शिक्षण विधि शिक्षक के द्वारा अपनाई जाने वाली वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान एवं कुशलता संप्रेषित करता है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण विधि शिक्षक के द्वारा अपनाई जाने वाली वह प्रक्रिया है जिससे वो ज्ञान और कुशलताओं को, मतलब ज्ञान नॉलेज और स्किल्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ज्ञान और अनुभव और कुशलताएं अपनी स्किल्स को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। तो शिक्षण क्या है भाई? शिक्षण विधि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान एवं कुशलताओं को संप्रेषित करता है, मतलब ट्रांसफर करता है। समझ में आ गई बात? इंग्लिश में सेम चीज लिखा गया है, टीचिंग इज एक्चुअली द प्रोसेस इन विच देर इज अ इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर स्टूडेंट एंड द सब्जेक्ट कंटेंट, राइट। अब टीचिंग मेथड क्या है? द टीचिंग मेथड इज द प्रोसेस फॉलोड बाय द टीचर बाय विच द टीचर कम्युनिकेट्स द नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। समझ में आ गए दोस्तों? शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक क्या करता है, ज्ञान और कुशलताओं को संप्रेषित करता है, यानी कि आदान प्रदान करता है। अब यह शिक्षण विधि कितने प्रकार की है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये शिक्षण विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहले शिक्षक केंद्रित विधियाँ और दूसरा बाल केंद्रित विधियाँ। शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित विधियाँ दो प्रकार की होती है। तो पहले शिक्षक केंद्रित देखिए। अब शिक्षक केंद्रित वह विधि होगी जिसमें शिक्षक का स्थान मुख्य होगा, मतलब शिक्षक मेन होगा, तो उसी को लिखा गया है शिक्षक केंद्रित विधियाँ। इस प्रकार की विधि में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है, उसी को आधार मानकर शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। समझ में आ रही है बातें? मतलब शिक्षक केंद्रित में शिक्षक मुख्य होगा और उस शिक्षक को आधार मान के ही शिक्षण प्रक्रिया संपन्न होगी। इन दिस टाइप ऑफ मेथड द टीचर इज द मेन वन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द टीचिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट। समझ में आ गई? अब देखिए शिक्षण विधियां, शिक्षण केंद्रित विधियां भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि व्याख्यान विधि, प्रदर्शनी विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, ऐतिहासिक विधि, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड और हिस्टोरिकल मेथड। इसमें देखेंगे लेक्चर मेथड में क्या होता है, शिक्षक एक आके लेक्चर देता है, उसमें विद्यार्थी का क्या काम है, विद्यार्थी का काम बस सुनना है, ठीक है। तो शिक्षक आके लेक्चर देगा, इसीलिए ये शिक्षक केंद्रित है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब यानी कि प्रदर्शनी विधि, कोई शिक्षक आके डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, प्रदर्शनी विधि द्वारा पढ़ा रहा है, इसमें भी विद्यार्थी मात्र दर्शक बन के देखेगा और शिक्षक पढ़ाएगा। चीज़ें बस समझ जाइए कि क्यों इसको शिक्षक केंद्रित में रखा गया है, वन बाई वन एक्सप्लेन करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, ये किस विधियों के पार्ट है, ये शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं। और बाल केंद्रित में क्या होगा? बाल केंद्रित विधियों में विद्यार्थी का स्थान मुख्य होता है, इसमें बालक को स्वयं अनुक्रिया करना पड़ता है। समझ में? उसमें टीचर पढ़ा रहा था, लेकिन नहीं, यहाँ पे बालक को खुद करना पड़ेगा। इन द चाइल्ड सेंटर्ड मेथड द प्लेस ऑफ अ स्टूडेंट इज द इंपॉर्टेंट, इन दिस द चाइल्ड हैज टू रिस्पॉन्ड हिमसेल्फ, द चाइल्ड हैज टू डू एक्टिविटी हिमसेल्फ, खुद से उसको करना है। अब क्या हो गया भाई? अब मान लीजिए प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, तो लेबोरेटरी में शिक्षक आपको प्रैक्टिकल नहीं कराएगा, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी मेथड मतलब प्रयोगशाला विधि। अन्वेषण जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं, इसको खोज विधि भी कहते हैं, मतलब आपको खुद रिसर्च करना है, खुद खोज करना है, तो ये भी चाइल्ड सेंटर्ड होगी, विद्यार्थी केंद्रित होगी, ठीक है। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड सेंटर। दंत कार्य विधि को असाइनमेंट मेथड कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, परियोजना, दंत कार्य, लेबोरेटरी, हिस्ट्री, ह्यूरिस्टिक और प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, तो ये सारी चीज़ें बाल केंद्रित है, इसमें बालक को ज़्यादा कार्य करना है, इसमें बालक प्रमुख है। चीज़ें समझ में आ रही है
क्यों, इसके दो प्रकार कौन कौन से, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित। शिक्षक में शिक्षक को ज़्यादा काम, बालक में बालक को ज़्यादा काम। और शिक्षक में क्या क्या था, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड और हिस्टोरिकल मेथड। और बाल केंद्रित में क्या है भाई, लेबोरेटरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड। ठीक है, वन बाई वन देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है और बहुत आसान भाषा में आपको समझ जाना है। ठीक है, और इसमें आपको दो चीज़ें देखनी है, पहले कि ये विधि होती क्या है और इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है। ठीक है, इस ऐसे ही सवाल बनेगा, तो पहले देख लीजिए चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखिए व्याख्यान विधि में क्या होता है, व्याख्यान विधि में शिक्षक आता है और लेक्चर देके पढ़ाता है, मतलब व्याख्या करके पढ़ाता है, इसी को भाषण विधि भी कहते हैं। देखिए यह विधि अत्यंत प्राचीन विधि है, इस विधि में केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। ऑब्वियस सी बात है अध्यापक का। अब देखिए अध्यापक विशेष सामग्री को विद्यार्थी के समक्ष भाषण के माध्यम से रखता है और विद्यार्थी उसके सामने बैठ के सुनता है। समझ में आ रही बात, ये मोस्टली कॉलेजेस में होता है, बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, छोटे क्लासेस में नहीं होगा। इसी को लेक्चर मेथड कहते हैं, टीचर आके बस लेक्चर देगा। तो अध्यापक विशेष सामग्री को विद्यार्थी के समक्ष भाषण के माध्यम से रखता है और विद्यार्थी को उसके सामने बैठ के सुनना पड़ता है। ठीक है, अभी आगे देखिए, अध्यापक इसमें घर पर ही विशेष सामग्री को पहले से तैयार कर लेता है और तैयारी के अनुसार कक्षा में सुना देता है। ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इस विधि में अध्यापक के केवल दो काम होते हैं, दो मुख्य काम क्या क्या होते हैं इस विधि में अध्यापक के, मुख्य तो दो कार्य करने पड़ते हैं। पहला, विषय वस्तु का चयन कर तैयारी करना, क्या पढ़ाना है इसको चयन करना है और उसकी तैयारी करना है। और दूसरा, कक्षा में विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुत करना। तो लेक्चर मेथड इज ऑल अबाउट द टीचर हैज टू डिलीवर अ लेक्चर इन द क्लासरूम व्हाइल द चाइल्ड विल बी सीटेड एज अ ऑडियंस ओनली। समझ में आ गई, दिस इज कॉल्ड द लेक्चर मेथड। अब देखिए, इस विधि में जहां शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, वहीं विद्यार्थी को भी एक अच्छा श्रोता का गुण होना चाहिए। ठीक है, अब भाई लेक्चर मेथड में जब लेक्चर देना है तो टीचर को अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा, एक अच्छा लेक्चरर बनना पड़ेगा। और साथ ही साथ विद्यार्थी को भाषण या व्याख्यान का नोट करते रहना चाहिए एवं आवश्यकता हो तो समय समय में प्रश्न भी पूछना चाहिए। चीज़ें समझ में आ रही है, लेक्चर एक टीचर है, ये हमारे टीचर साहब हैं, क्लासरूम में आए, लेक्चर दे दिए और बच्चे सुन रहे हैं, तो वही बच्चों को बताया जा रहा है कि इस विधि में एक टीचर को अच्छा वक्ता होना चाहिए, एक अच्छा बोलने वाला, और विद्यार्थियों को अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, और विद्यार्थियों को साथ साथ नोट करते रहना चाहिए और कहीं समस्या होने पे पूछ लेना चाहिए। सेम चीज़ को इंग्लिश में लिख दिया गया, दिस मेथड इज अ वेरी एंशियंट मेथड, इन दिस मेथड द सेंटर पॉइंट इज द टीचर। ठीक है, द टीचर पुट्स द पर्टिकुलर मेथड इन द फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट थ्रू स्पीच, भाषण के माध्यम से, द स्टूडेंट सीट इन द फ्रंट ऑफ हिम एंड लिसन, बस बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। इन दिस मेथड द टीचर हैज टू डू टू मेनली टास्क, क्या क्या भाई, फर्स्ट टास्क है कि प्रिपेयर बाय सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर, और दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर। पहला भाई एक विषय वस्तु का चयन करना, दूसरा उसको भाषण के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक उसी तरह कहा गया, इन दिस मेथड वेयर द टीचर शुड बी अ गुड स्पीकर एंड द स्टूडेंट शुड बी अ गुड लिसनर। समझ में आ गई, दे मस्ट हैव अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लिसनर। ठीक है, एज वेल एज ऑल द स्टूडेंट शुड ट्राई टू जॉट इट डाउन, ट्राई टू नोट डाउन ऑन द नोटबुक, एंड इफ इट इज नेसेसरी दे शुड आस्क द क्वेश्चन। सिंपल सी बात है। तो लेक्चर मेथड का क्या हो गया भाई, शिक्षक आके लेक्चर देंगे। अब इसके गुण देखिए, इसकी गुण क्या है भाई, एक टीचर आके बस लेक्चर देगा तो इसकी सबसे बड़ी गुण ये है कि इस विधि द्वारा ज्ञान तीव्रता गति से दिया जा सकता है। अब उसको लिख के पढ़ाना हो, समझा के पढ़ाना हो तो वो दूसरी बात है, अब बाकी बस लेक्चर देना है तो आसानी से सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। तो इस विधि द्वारा ज्ञान तीव्र गति से दिया जा सकता है। इसकी दूसरी गुण क्या भाई, इस विधि से यह विधि अध्यापक के लिए सुविधाजनक होती है। ऑब्वियस ही बात है, सुविधाजनक होती है, क्यों भाई, क्योंकि अध्यापक आते हैं कक्षा में, भाषण देने शुरू कर देते हैं और भाषण पूरा कर कक्षा से चले जाते हैं। सिंपल सी बात है, कितना सुविधाजनक है, इसमें वह विद्यार्थी की विभिन्न समस्याओं को हल करने से बच जाते हैं। अब इंडिविजुअली आप लिख के पढ़ाएंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी, आपने लेक्चर दे दिया और आसानी से आपका सुविधाजनक काम हो गया आपका लेक्चर। इस विधि द्वारा पाठ्यक्रम आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। समझ में आ रही चीज़ ना, बहुत प्रैक्टिकली, में ये जो मैं वर्ड्स लेके आया हूँ ना, बहुत आसान से, रटने वाली कोई चीज़ नहीं, बहुत आसान से। लेक्चर में क्या होता है भाई, ज्ञान तीव्र गति से दिया जा सकता है, अध्यापक के लिए सुविधाजनक होता है, पाठ्यक्रम जल्दी से पूरा हो जाता है, और भारतीय परिवेश में जहाँ कक्षाएँ बड़ी बड़ी होती हैं और सामग्री का अभाव होता है, समझ में आ रही बात, तो जहाँ कक्षाएँ बड़ी बड़ी होती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बच्चे आएंगे और ज़्यादा बढ़िया से लेक्चर हो जाएगा और आपके शिक्षण सामग्री का भी अभाव रहता है। तो इसलिए यह क्या है भाई, लेक्चर मेथड बहुत अच्छा है। भाषण विधि से विषय सामग्री के साथ साथ विद्यार्थी में भाषण विषय संबंधित योग्यता का भी विकास होता है। अब लेक्चर मेथड से बच्चे जो लेक्चर सुनेंगे तो उनके अंदर लेक्चर की क्वालिटी भी क्या होगी, डेवलप होगी। इसमें विद्यार्थी को भी अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता क्योंकि वो आराम से भाषण सुनता है। समझ में आइए, यह विधि अधिक खर्चीली नहीं है, ऑब्वियस सी बात है खर्चीली नहीं है। इस विद्यार्थी का श्रवण कौशल का विकास होता है, सुनने की का भी विकास होता है, समझ, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे भाषा संबंधी योग्यता का विकास होता है, समय भी बच जाता है, परिश्रम भी बच जाता है,
तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चे जब सुनेंगे तो सोचेंगे, उनकी तर्क शक्ति विकास होगी, विषय वस्तु स्पष्टीकरण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षकों के लिए सुविधा, विद्यालयों की वातावरण परिस्थिति में उत्तम। और दोस्तों विशेष प्रकरणों में शिक्षक की सहायता, श्रवण इंद्रियों का उचित प्रशिक्षण, समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ लेक्चर मेथड के गुण है। ओके, अब जब गुण है तो दोष भी होंगे। दोष क्या है भाई, डिमेरिट्स क्या है? देखिए सबसे पहली बात, इसकी डिमेरिट ये होगी कि इस विधि का प्रयोग केवल उच्च कक्षाओं में किया जा सकता, निम्न कक्षाओं में नहीं, मतलब बच्चों के लिए नहीं कर सकते, आप केवल उच्च कक्षा में कर सकते हैं, ये इसकी डिमेरिट हो गई। इस विधि में विद्यार्थी का स्तर ध्यान नहीं रखा जाता, मतलब इस बात की नहीं देखा जाएगा कि बच्चे को इंटरेस्टेड है, समझ में आ रहा है भी नहीं, क्योंकि जब 100 बच्चे एक साथ क्लास में बैठे हैं तो एक दूसरा बच्चा समझ भी नहीं पा रहा है, तो इस बात की कोई ध्यान नहीं रखी जाती। ठीक है, इस विधि के द्वारा बच्चों का ज्ञान तत्परता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता कि बच्चे रेडी है कितने, सुनने के लिए रेडी है, पढ़ने के लिए रेडी है कि नहीं। तो एक बच्चा कोई पढ़ रहा है और सर पढ़ाए जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि सारे बच्चे ऐसे सुन रहे हैं, वो आराम से इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्लास में बैठे हुए मगर ध्यान कहीं और है। ठीक है, निखिल भाई, छात्रों को निश्चित रूप से कार्य करने की निश्चित क्षमता नहीं हो पाती। ओके, एकांगी विधि, मौलिक चिंतन का अभाव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा, रटने की प्रवृत्ति हो जाती है इसमें। ठीक है, अब बच्चे सुन के जाएंगे, घर जाके रटेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। सभी शिक्षकों के लिए उपयोगी, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सभी शिक्षकों के लिए उपयोगी नहीं होता, क्योंकि सारे शिक्षक लेक्चर नहीं दे पाते ना, क्योंकि एक अच्छे वक्ता नहीं होते। और आगे लिख रहा है भाई, अमनोवैज्ञानिक विधि और नीरस और रुचिकर, बच्चे बेचारे बोर हो रहे हैं, कोई रुचि नहीं है, और सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं। समझ में आई बात है? सबसे पहले चीज ये कहती केवल बड़ी कक्षा के लिए, दूसरा इसमें क्या है भाई, शिक्षण विद्यार्थियों के स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता, और इसमें तत्परता नहीं हो पाती, छात्र निश्चित रूप से कार्य करने की क्षमता नहीं हो पाती, और भी कुछ अपेक्षाएं जिसमें मुख्य है भाई, रटने की प्रवृत्ति होती है, सभी शिक्षकों के लिए उपयुक्त नहीं होता, सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता, और नीरस होता है, अनइंटरेस्टिंग होता है, और रुचिकर होता है। चीज़ें समझ में आ रही? ये बात हो गई किसकी, ये हमारी बात थी किसकी, लेक्चर मेथड की। ठीक है, लेक्चर मेथड की बात थी, व्याख्यान विधि की। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं प्रदर्शनी विधि, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। चीज़ें समझ में आ रही है? अब एक मिनट में आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूँ, थोड़ा ताकि आपको चीज़ें और अच्छी से समझ में आए। तो हम देख रहे हैं शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित में हमने व्याख्यान विधि देखा, व्याख्यान विधि का मतलब लेक्चर मेथड। अब हम देखेंगे प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि भी बिल्कुल सेम है लेक्चर मेथड की जैसा है, लेकिन बस इसमें एक ज़्यादा गुण है, क्या है भाई, कि इसमें प्रदर्शन करके पढ़ाया जाएगा। देखिए प्रदर्शन विधि में अध्यापक पाठ विषय को व्याख्यान के साथ साथ पाठ विषय से संबंधित आवश्यक प्रयोग अध्यापक स्वयं करके छात्रों को दिखाता है। समझ में आ रही बातें? जैसे चार्ट पेपर पर, ब्लैक बोर्ड पर लिख के वो कुछ दिखाएगा भी। ठीक है, किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करके उस वस्तु की रचना एवं कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप में ज्ञान कराता है। ठीक है, उसको चीजें दिखा के वो शिक्षक पढ़ाएगा। In English, in the demonstration method, along with the lecture of the lesson topic, the teacher himself show the necessary experiment related to the lesson topic. समझ में आ रही बात है? On the teaching about an object by displaying the object, it gives a real knowledge. तो भाई जब प्रदर्शनी करके पढ़ाएगा तो एक अच्छा ज्ञान उनको मिलेगा। अब देखिए प्रदर्शनी विधि की गुण देख लेते हैं। ठीक है, प्रदर्शनी विधि की गुण यहाँ पे देखिए, ये तो इंग्लिश में हो गई, हिंदी में देख लेते हैं। पहले हिंदी में देखिए इनकी सीमाएं, प्रदर्शनी विधि की लाभ क्या है। ठीक है, प्रदर्शनी विधि की सबसे पहले लाभ देखिए, अधिक कठिन प्रयोग व जोखिम भरे प्रयोग को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा भाई, इस विधि में शिक्षण कार्य करवाने पर समय कम लगता है। समझ में आ रही बात, क्योंकि प्रदर्शनी से बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया अधिक सक्रिय होती है। लेक्चर में केवल सुनता था, इसमें आपको दृश्य इंद्रिया भी एक्टिव हो जाएंगी। और देखिए प्रदर्शन विधि के दौरान छात्र स्वयं देखकर सीखते हैं, और यह शिक्षण विधि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। अब देखिए, चूंकि इसमें टीचर एक्सपेरिमेंट करता है, इसलिए प्रयोग प्रदर्शन शिक्षक के द्वारा किए जाने से उपकरणों के टूटने की संभावना कम होती है। अब देखिए, उपकरणों की संख्या कमी होने पर भी शिक्षण प्रभावशाली होता है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, छात्रों के निरीक्षण एवं तर्क एवं विचार शक्ति का विकास होता है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। ठीक है, ज्यादा समय तक रहता है, और छात्र इस विधि के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि यह प्रदर्शनी विधि है, इसमें दिखाया भी जा रहा है और लेक्चर भी दिया जा रहा है। ठीक है, अब प्रदर्शनी विधि के दोष देख लेते हैं दोस्तों।
दोस्त से पहले इंग्लिश में भी देख ले, वरना फिर कमेंट में आएगा सर इंग्लिश में नहीं बताया, ठीक है। तो एडवांटेजेस भी है, फॉलोइंग एडवांटेजेस क्या है भाई, द मोर डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट एंड द रिस्की एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड, क्योंकि ये शिक्षक कर रहा है, इट टेक्स लेस टाइम टू गेट टीचिंग वर्क डन, ठीक है। द स्लाइट एंड हियरिंग सेंस ऑफ द चिल्ड्रन आर मोर एक्टिव, द साइट मतलब दृश्य और सेंस मतलब सॉरी साइट मतलब दृश्य सेंस मतलब श्रव, तो ये चीजें भी मोर एक्टिव होती है। ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड द स्टूडेंट्स लर्न बाय ऑब्जॉर्बिंग देमसेल्फ, दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज मोर यूजफुल फॉर स्मॉल क्लासेस, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट बाय द टीचर रिड्यूस द वियर एंड टीयर ऑफ द इक्विपमेंट, टूटने फूटने की क्षमताएं कम होती है, संभावनाएं कम होती है। टीचिंग इज इफेक्टिव इवन द नंबर ऑफ अंडरटेकिंग इज स्मॉल, समझ में आ गई। और देखिए द ऑब्जर्वेशन रीजनिंग एंड थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स आर डेवलप्ड और द नॉलेज गेन्ड बाई दिस मेथड आर मोर परमानेंट, या ज्यादा देर तक अस्थायी रहता है। स्टूडेंट कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, ठीक है। अब प्रदर्शनी विधि के गुण देख लेते हैं भाई, ये सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है भाई। अब देखिए इसमें लिमिटेशन ये है कि इस शिक्षण विधि में सभी विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि प्रदर्शनी विधि में टीचर प्रयोग कर रहा है तो सारे बच्चों को मौका नहीं मिलता। अब देखिए यदि प्रदर्शन काफ़ी जटिल हो तो विद्यार्थियों को मूल धारणाओं सिद्धांतों तथा कौशल को समझने में कठिनाई होती है। अब मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, तो बच्चे को समझने में आसानी नहीं होती। अब देखिए इस शिक्षण विधि में बच्चे प्रयोगशाला के विभिन्न लाभों से वंचित रह जाते हैं, जैसे उपकरणों तथा पदार्थ संचालन करना, स्वयं व्याख्या करना आदि, मतलब वो खुद से नहीं कर पाते हैं इसलिए वंचित हो जाते हैं। समय की कमी के कारण प्रदर्शन शीघ्रता से किया जाता है, जिससे क्या होता है उसके विभिन्न सोपान साधारण छात्र नहीं सीख पाते। अगर जल्दी से प्रदर्शन कोई शिक्षक कर देता है तो बच्चों में वो कमी रह जाती है। बड़ी कक्षा में प्रदर्शन के समय सभी छात्रों को प्रदर्शन ठीक से देख पाना प्रायः संभव नहीं। अब एक टीचर कर रहे हैं तो सारे बच्चे ठीक से देख नहीं पाते, ये सारी चीजें छोटी छोटी कमियां हैं दोस्तों। शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत करो और सीखो है, जबकि यह विधि देखो सुनो और समझो पे सही बात है, क्योंकि जब टीचर कर रहे हैं तो बच्चे कैसे कर पाएंगे। इस शिक्षण विधि द्वारा विज्ञान के सामान्य ज्ञान का ही प्रदर्शन हो सकता है। कभी कभी शिक्षक द्वारा प्रयोग सफल नहीं होता है तो छात्रों के मन में विषय के अधिक भ्रांतियां, मतलब कभी कभी सफल नहीं हुआ तो भ्रांतियां फैल जाती है, चीज़ें ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। उसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन, ओके नेक्स्ट। तो दोस्तों हमने दो टॉपिक डिस्कस करी, कौन सा, व्याख्यान विधि और प्रदर्शनी विधि, राइट। शिक्षक केंद्रित वीडियो में हमने दो डिस्कस कर लिया, बाकी जो है और ये चारों हैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर पोस्ट करने में अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी और आपको चीज़ें समझने में भी ईजी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम सेक्शन वाइज में डिवाइड करते हैं तो आइए देखिए हमने अभी तक क्या जाना इसमें। तो देखिए अब आपसे अगर कोई सवाल ये पूछा जाता है कि जीव विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधियाँ, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, या फिर भौतिक विज्ञान, या फिर केवल विज्ञान पूछता है तो आप बता सकते हैं, क्यों, आप बता दीजिए यहाँ पे कि शिक्षण विधि क्या होती है। शिक्षण विधि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक क्या करता है, अपने ज्ञान को और स्किल्स को ट्रांसफर करता है, क्या कर संप्रेषित करता है। इनके दो प्रकार होते हैं, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, और शिक्षक केंद्रित में ये चार हैं, व्याख्यान, प्रदर्शनी, पाठ्यपुस्तक, ऐतिहासिक, और बाल केंद्रित में प्रयोगशाला, अन्वेषण, प्रयोजन, दंत कार्य विधि यानी असाइनमेंट मेथड। तो इन चारों में से किसी एक को एक्सप्लेन कर दीजिए, सवाल मोस्टली यहीं से पूछे जाते हैं। हमने इन दो वीडियो को डिस्कस कर लिया, रिमेनिंग चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके दोस्तों, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छा लगा या नहीं। अगर हाँ कमेंट में आप बताएंगे कि इनको एक्सप्लेन करना है तभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ओके। तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए क्या मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय।